उनको टटोला, ये जो ये प्रश्न उन्होंने किया ना कि तुम पर पुरुष के पास आधी रात को काहे को जंगल में अकेली आ गई, ये उनके ब्रज की गोपियों के हृदय के भाव को देखना था कि कहीं थोड़ा बहुत भी धर्म की छूछ तो इसमें नहीं है। जब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि इनका हृदय केवल मेरी गति को छोड़कर, मेरे प्रेम के को छोड़कर अन्य किसी भी जगह नहीं है, तब रास की रचना की। रास हो गया, जब रास हो गया काम सामने आया, कृष्ण ने मुस्कुरा के पूछा, उन्हें बोल रहे इस युद्ध में किसकी जीत हुई, तेरी कि मेरी? बोले महाराज जीत तो मैं किसकी कहूं, आपकी हुई कि मेरी हुई, वैसे नहीं जीता। अरे बोले रास निष्कलुष हो गया, इसमें कहीं भी रास में देह का विलास नहीं था, केवल हृदय का विलास था, और इतना कहने के बाद भी तू कहता है कि मैं जीत गया? बोले हां महाराज मैं जीत गया। क्यों? बोले आप जो लड़े ना, श्री राम तो परकोटे में बैठकर लड़े, मर्यादा का परकोटा, लेकिन आपके सामने परकोटा तो नहीं था, मैदान था, लेकिन आपने कवच पहन रखा था। कवच? मैंने क्या कवच पहन रखा था? बोले आपने ये कवच पहन रखा था कि गोपियां तो आपके रूप के ऊपर आसक्त थी, लेकिन आप गोपियों के रूप के ऊपर आसक्त नहीं थे, आप गोपियों के प्रेम के ऊपर आसक्त थे, इसलिए आपके रास में मेरा कहीं प्रवेश नहीं हो सकता। जो रूप पर आसक्त होता है वह कामी, और जो प्रेम पर आसक्त होता है वह प्रेमी, इसलिए आपके प्रेम स्वरूप का निर्वाह हो गया। यह बड़ा मार्मिक चरित्र है इसका। तो सेवक जी ने उसी का संकेत किया, बोले वंश बजाए विमोहित नारी, बोली संग सुनित्य बिहारी, परिदम्बन चुम्बन रति तेली, बीरत कुमर कंठ भुज मेली। उसी में उनको श्री कृष्ण प्रीतम ने जितनी भी वहां उनके समीप में जितनी भी सखियां और स्वामिनी आई, उनको जो अपने प्रेम का जो दान है, उन प्रेम का दान किया, उनका आलिंगन करके, उनका परिरंभण करके, चुंबन इत्यादि करके, और उन सबके प्रेम को संतुष्ट किया। देखिए प्रसंग चल गया है तो ये वाणी जी में कुछ ऐसे शब्द आते हैं, परिरंभण है, चुंबन है, आलिंगन है, इसको देखकर हमारे हृदय में शंका आती है। और हमको स्मरण है कि हम पहले यहां पर सेवक वाणी के सत्संग में आए थे, तो यहां एक वैष्णव ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो हरिवंश महाप्रभु की वाणी है, चतुरासी जी राधा सुधा निधि, मैं इसको समझ नहीं पाता हूं, और जब मैं समझने की कोशिश करता हूं तो मेरे समझ में ये आता है कि ये जो ग्रंथ हैं ये अश्लील ग्रंथ हैं, अश्लील, इनको तो घर में भी नहीं रखना चाहिए। वैष्णव था यहीं कि बात है, हमने क्या बात हो गई ऐसी, इसको तुमने अश्लील कैसे कहा? बोले तो इसलिए हमने इनको अश्लील कहते हैं, इसमें ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन किया है कि पति पत्नी साथ बैठकर उनका पाठ नहीं कर सकते। इसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, आलिंगन शब्द आता है, चुंबन शब्द आता है, परिरम्भण शब्द आता है, रति शब्द आता है, ये तो घोर काम के शब्द हैं, इनको ठाकुर जी की लीला में ले जाना अपराध नहीं है? इससे तो ठाकुर की छवि विकृत होती है। ये तो आपके आचार्यों ने आपके अपने इष्ट के स्वरूप को विकृत कर दिया है। लोग वैष्णव यहां और सब समूह बैठा था, सब कहते हैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ। हमने कहा किसी को चुप करने से काम नहीं चलेगा,
इसके हृदय में जो भाव है, इसके हृदय में जो जिज्ञासा है, इसके हृदय में जो शंका है, इसका जो प्रश्न है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है और इसका उत्तर खोजना ही पड़ेगा। तो जब उसका पूरा जोश निकल गया तो हमने कहा तुम्हारा जो सारे कथन का जो सार है वो सिर्फ एक ही बात पर आकर टिकता है, ये आलिंगन चुंबन परिब्रह्मण, ये जो काम के शब्द हैं, काम लीला के, इनको देखकर तुम्हारे मन में ऐसा ये एक धारणा पैदा हो गई है कि ये उचित नहीं, और बोले कम से कम भगवान के लिए। और बोले दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में ये आता है कि ये जो आपके राधा कृष्ण हैं, ये भगवान हैं या क्या चीज हैं? इनके पास जैसा आप कहते हो कि ये तो अपनी सिज्जा से नीचे उतरना ही नहीं चाहते, रात दिन अपने रंग में रहते हैं, इन्हें सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, इनको सृष्टि से कि किसी व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। हमारे यहां श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा ना कि राधा वल्लभ कौन है, तो सुधा निधि जी में बोले बोले दूधे सृष्टि आदि बाल का, ये यहां कोई सृष्टि की बात वार्ता मत करना, कौन मरा कौन जिया किसने क्या किया, इससे श्री जी का कोई लेना देना नहीं। बहुत से भोले लोग आते हैं, महाराज जी संतान नहीं है, हे राधा वल्लभ संतान दे दो, इनकी इस मांग को देखकर हमको हंसी आती है, बेचारा जानता नहीं है, ये कोई बेटा बेटी देते हैं क्या, मेरे व्यापार में घाटा है, मेरा व्यापार का घाटा दूर कर दो, इसके लिए 33 करोड़ देवता बैठा रखे हैं, अपनी कामनाओं को लेकर वहां जाओ, यहां तो केवल एक बात लेकर आओ कि श्री जी आपकी शरण में आया हूं, अपने चरणों की शरण दे दी। ये दूरे सृष्टि आदि बात का, इनके सामने दुनियादारी का प्रसंग लेकर कभी मत आना। तो बोले ये कैसे भगवान, इनको किसी के दुख से मतलब नहीं, इनको किसी के सुख से मतलब नहीं। हमारे मन में आया कि भाई गुब्बारा बहुत भरा हुआ है, बेचारा ये समय इसका अगर सामने कहीं हिज्जी महाराज पड़ जाए तो ये हाथापाई कर दे, ऐसा भी स्थिति बन सकती है, इतना जोश में। मैंने कहा देखिए ये बड़ा सरल सी बात है, इस वाणी को पढ़ो, इसके मर्म को समझो, जिन शब्दों की तुम बात करते हो और जिन शब्दों से तुम्हारा परिचय है, कम से कम हरिवंश महाप्रभु जी भी इन शब्दों के अर्थ तो जानते ही होंगे, इतना तो तुम मानोगे जब इन्होंने प्रयोग किया है। बोले हां जानते होंगे तभी तो प्रयोग किया, जब इन शब्दों का वो प्रयोग जानते हैं, उनका अर्थ जानते होंगे, तो कोई भी आचार्य जो है वो सहज भाव से अपने ग्रंथ में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी किया। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है कि उन्होंने इन चिन्हों का जो वर्णन किया है वो चिन्ह जो है ये काम के चिन्ह नहीं है, प्रेम के चिन्ह है, क्योंकि प्रेम को और मुश्किल बस एक ही बात हो गई कि इन्हीं चिन्हों का प्रयोग काम की लीला में होता है, इन्हीं चिन्हों का प्रयोग प्रेम की लीला में होता है, ये चिन्ह एक हैं लेकिन वो लीला का स्वरूप का अंतर है। तो यहां जो इनकी लीला है, यहां जो इन्होंने प्रयोग किया है वो प्रेम का संदर्भ है, प्रेम को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति शब्द से प्रेम को व्यक्त नहीं करता, तो बोले वो चिन्हों से शब्द व्यक्त करता है। एक माता है अपने बच्चे को प्यार करती है, माता अपने बच्चे से ये कहती है कि मैं तुझे प्यार करती हूं, नहीं, जब माता का प्रेम उमड़ता है तो बालक को उठा लेती है अपनी गोद में, गोद में उठाकर अपनी छाती से लगाती है, अपने हृदय से लगाती है, आलिंगन उसको जोर से भींचती है और उसके कपोलों पर, मुख पर, होठों पर, माथे पर अगणित चुंबनों की बौछार कर देती है। कभी देखा है माता को अपने बालक को प्यार करते हुए? उन्हें देखा, उसके द्वारा आलिंगन चुंबन परिरंभण करते हुए तुम्हारे हृदय में कोई विकार आया?
तुम इसकी इस क्रिया को देखकर ये कह सकते हो कि एक माता अपने बालक को चूमती है, हृदय से लगाती है, उसको अपने हृदय में दबाती है, भींचती है, अंग अंग को दबाती है, ये बड़ा अश्लील काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, ये बात कह सकते हो? ऐसा कोई भाव आता है? बोले नहीं महाराज, वो तो माता और पुत्र का प्रेम है। नहीं, माता पुत्र का प्रेम की बात नहीं है, चिन्ह की बात है। चिन्ह की जो क्रिया कर रही है, इसमें विकार पैदा हो रहा है कि इस क्रिया के माध्यम से प्रेम प्रकट हो रहा है। एक बहन अपने भाई से ये नहीं कहती मैं तुझे बहुत प्यार करती हूं। जब बहन भाई मिलते हैं और अतिशय जब प्रेम उनका उमड़ता है और वो प्रेम की में विभोर होते हैं, क्या कहते हैं बहन भाई परस्पर एक दूसरे को आलिंगन कर लेते हैं, भींचते हैं, उसको चूमते हैं और इस तरह से अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। इस तरह की क्रिया भाई बहन का, इस तरह के प्रेम की अभिव्यक्ति, ये अश्लीलता में आवेगी? बोले नहीं, ये अश्लील नहीं है। क्या है? बोले ये तो भाई बहन का प्रेम है, ये इस प्रेम को व्यक्त करने का चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र। लेकिन जब यही चिन्ह काम में प्रयोग होते हैं, काम की लीला में, तो क्या होता है? बोले पर्दा डल जाता है। पर्दा जब देह के विलास में इनका प्रयोग व्यक्ति करता है, एक पर्दा डल जाता है, छिप जाता है, व्यक्ति के मन में भय आता है कि हमारे इस प्रेम क्रिया को करते हुए कोई देख न ले। खुलकर क्यों नहीं करता? क्योंकि वो देह का विलास है, देह का विलास। महाप्रभु जी ने जो ये श्री हरिवंश महाप्रभु ने जो ये प्रिया प्रीतम का विलास जीव के सामने रखा, ये देह का विलास नहीं था, ये हृदय का विलास। और इस विलास को रखने का आशय क्या था? श्री हरिवंश महाप्रभु ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, चतुराशी जी का 30वें पद की अंतिम दो पंक्तियां हैं, बोले जय श्री हित हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। बोले मैंने अपनी यथामति, ये जो प्रेम का श्रृंगार रस का सार मैंने जो प्रकट किया है, इसको प्रकट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम देह के भोग विलास में लग जाओ। इसका आशय क्या है? बोले प्रेम के सार का प्रकट करने का मेरा लक्ष्य ये है कि श्रवण सुनत, जो इसको अपने कानों से सुने, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा, बोले उसको श्री प्रिया जी के युगल चरणार बिंद में सहज प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसलिए मैंने ये अत्यंत सरस, अत्यंत प्रेम की लीला को प्रकट किया। और देखिए इस लीला को देखकर इसकी जो विलक्षणता है, प्रिया प्रीतम को जो विलास करते हैं, जो काम की जो लीला होती है ना, वो काम की लीला को देखने से काम की उत्तेजना आती है, उत्तेजना अपने अंदर की वृत्ति को उत्तेजित करने के लिए इस तरह के, चाहे वो साहित्य पर है, चाहे वो सिनेमा देखे या किसी तरह से, बोले ये ऐसा अत्यंत कामोत्तेजक फिल्म काई को देखने गए, बोले इससे थोड़ी शरीर में उत्तेजना आती है, बल आती है। बोले ये जो चतुराशी है ये कामोत्तेजना नहीं करती, तो बोले जैसे जैसे इसका पाठ करते चले जाओगे वैसे वैसे ये काम का नाश करती चली जाए। चतुराशी जी के फल की स्थिति में श्री रूपलाल जी महाराज ने बड़ी मार्मिक बात कही, इसका जो फल बताया, इसका फल क्या है? बोले कि ये जो हरिवंश का जो 84 है, इसके प्रातःकाल और सायंकाल पठन करने से, श्रवण करने से क्या होता है? बोले जितना भी अंदर का काम भाव है, वो अंदर का काम भाव नष्ट हो जाता है। सखियां रहती हैं, सखियां प्रिया प्रीतम को बिलसते हुए देखती हैं, लेकिन कभी उनके मन में ये भाव नहीं आता कि जैसा प्रिया प्रीतम का जो विलास है, वो ऐसा विलास हम भी इनके साथ करें, ऐसा भाव नहीं आता।
कारण उन्हें काम से शून्य हो जाता है, काम से शून्य हो जाता है। हम सेवा करते हैं, श्री जी का श्री अंग स्नान कराने में सामने आता है, स्त्री पुरुष किसी की भी ऐसी विवस्त्र छवि अगर सामने आवे, हमारे हृदय में एक न एक विकार पैदा होगा। लेकिन जब हम श्री जी की सेवा करते हैं, हमारे अंदर पूज्य भाव आता है, पूज्य भाव। एक बात निश्चित समझ लीजिए कि जब तक हमारे हृदय में काम का भाव है, तब तक प्रिया जी का दर्शन नहीं हो सकता। और कभी ऐसा भी हो जाए, कोई ऐसा भाग्यवान हो जो काम से पीड़ित हो और उसको प्रिया जी का दर्शन हो जाए, तो उसका काम भाव जल जाता है। इसका एक बड़ा मार्मिक उदाहरण मिलता है। एक महात्मा हुए घनानंद जी, बहुत बड़े महात्मा, उनका बहुत वाणी संग्रह है और रसिकों की सभा में उनका बड़ा मान सम्मान। उनकी प्रीति थी एक सुजान नाम की वेश्या से पूर्व में, और उस सुजान नाम की वेश्या में उनकी चित्त की इतनी आसक्ति कि सुजान के बिना रह न सके। संयोग ऐसा हुआ कि पता नहीं, वेश्या तो वेश्या ही होती है, पता नहीं किसी अन्य पुरुष के साथ में चली गई, सुजान को छोड़ गई, इनसे कोई ज्यादा पैसा देने वाला मिल गया होगा, वो वहां चली गई। सुजान उसके विरह में बिलबिलाए, सुजान सुजान सुजान, जो मिले तुमने सुजान देखी, तुमने सुजान देखी, तुमने सुजान देखी। बोले नहीं नहीं भाई, घूमते 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 वृंदावन आ गए। वृंदावन में भटकते फिरते रहे, आपने सुजान देखी, सुजान देखी। बोले कौन सुजान है? बोले जिससे मैं प्रेम करता हूं, मैं, मेरी वो प्रेमिका है, उसका नाम सुजान है। बोले नहीं, हमने नहीं देखी। घूमते घूमते मानसरोवर में पहुंच गए। मानसरोवर में कोई रसिक थे, संत, वो पद गा रहे थे श्री चतुरासी जी का, और उस पद की का बोल था कि चले ही राधे के सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदन। अब वो प्रेम दीवाने घनानंद को आगे पीछे का तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा, केवल एक सुजान शब्द कान में पड़ा। दौड़े और दौड़ कर जाकर कहा, बाबा बाबा तुमने सुजान देखी? बोले देखी क्या, रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, मुझको छोड़कर वो यहां आकर रहने लगी क्या? बोले नहीं नहीं, वो तो कभी यहां से न जाती है न कहीं से आती है, वो तो यहीं रहती है, रोज देखते हैं। बोले मुझे बता सकते हो? बोले हां बता सकते हैं। बताओ कहां है? रसिक का भजन का बल, उसके अंदर का हृदय का भाव, उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि ये घटना क्या है, इसकी सुजान कौन और मेरी सुजान कौन। बोले मेरी सुजान देखी? बोले तेरी देखी कि मेरी देखी मैं नहीं जानता, सुजान देखी। बोले कौन सुजान, कहां है, मुझे दिखाओ। तो उन्होंने वो पद गाया कि चले ही राधे के सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदनी। जैसे ही वो महात्मा ने पद बोला, श्री प्रिया जी का सर्वांग स्वरूप आकर उनके सामने खड़ा हो गया। बोले तूने बुलाया, मैं आ गई, क्या कहता है? बोले महाराज ये आपको देखना चाहता है, कोई सुजान है, ये आपका नाम भूल गया है, सुजान याद रह गया है, आप तो बड़ी भोली, प्रिया अत्यंत भोली। बोले अच्छा, तुम कह रहे हो दर्शन कराएंगे, तो उस घनानंद जी के सामने श्री प्रिया जी का मंगलमय स्वरूप आया, और जैसे ही मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया, घनानंद के अंदर का बैठा हुआ जो काम जनित सुजान का भाव था, वो सुजान का भाव नष्ट होकर और श्री प्रिया जी के चरणार बिंद में ऐसा चित्त रमा कि ऐसी रूप माधुरी उनकी छिटकी कि हजारों पद उनकी रूप माधुरी पर रचना करके डाल। इसी पद के आखिर में महाप्रभु जी ने कहा
कि ये प्रिया जी का ये जो पद है ना, ये नरवाहन जी को जब दर्शन कराया है तो नरवाहन जी के दर्शन कराने में महाप्रभु जी ने इस पद के माध्यम से नरवाहन जी के ऊपर कृपा की। तो इसमें एक पंक्ति आती है जहां नरवाहन जी को संकेत कर रहे हैं, नरवाहन प्रभु निहार। फिर नरवाहन सामने ये प्रभु खड़े हैं राधा वल्लभ लाल, इनको निहार। देखिए देखने में और निहारने में बड़ा अंतर होता है। हम लोग देखते हैं इसलिए जितना दिखता है उतना दिख जाता है, बल्कि हमारे यहां देखना नहीं है, निहारना है। निहारने में दृष्टि कोमल होती है और अंग प्रत्यंग में दृष्टि दौड़ती हुई चलती रहती है। तो बोले नरवाहन प्रभु निहार, बोले नरवाहन ये श्री जी के स्वरूप को निहार देख। और बोले लोचन भर घोषनार, घोषनार कहते हैं श्री प्रिया जी को, घोष कहते हैं ग्वाला को, और जो ग्वाला की लड़की बच्ची वो घोषनार। तो विश्वान गोप की पुत्री है ना श्री प्रिया जी, इसलिए बोले लोचन भर घोषनार। नरवाहन देखने लगे, प्रिया का मंगलमय स्वरूप दिखा, लाल जी का मंगलमय स्वरूप दिखा। बोले देखा, बोले हाँ, बोले ऐसे मत देखना, लोचन भर घोषनार, अपने नेत्रों में इस रूप को भर ले। ये नई नई बातें हों समझ में न बैठे, लेकिन दृष्टि में श्री जी के रूप को भरना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलता। धीरे धीरे निरखो और उस छवि को अपने हृदय में उतारते चले जाओ, उस छवि को अपने हृदय में दोहराते चले जाओ, वहां बस जाएगी। फिर ध्यान नहीं करना पड़ेगा, ध्यान अपने आप बना रहे। तो बोले लोचन भर घोषनार, बोले मैंने इस घोषनार श्री प्रिया के जिस स्वरूप का मैं तुझे वर्णन करा रहा हूं, जिसका स्वरूप है वो क्या है, बोले कि लोचन भर घोषनार नक्षित सौंदर्य काम दुख निकंदन। ये श्री प्रिया जी के चरणार बिंद से लेकर शिक पर्यंत तक का इनका जो सौंदर्य है ये क्या है, बोले इसके दर्शन करने से दो चीज का नाश होगा। दो चीज का नाश क्या होगा, बोले पहला नाश होगा दुख का और दूसरा नाश होगा काम का। प्रिया और प्रीतम आपस में एक दूसरे की महत्ता का वर्णन कर रहे थे, तो लाल जी ने कहा कि स्वामिनी मेरा जो रूप है, इस मेरे स्वरूप में दो वस्तु हैं जो बिल्कुल विरोधी हैं। बोले क्या, बोले आपने मेरा नाम देखा है, सुना? हाँ सुना, क्या नाम है मेरा? बोले कृष्णचंद्र। बोले कृष्णचंद्र में दो विपरीत भाव हैं। बोले कृष्ण का अर्थ होता है काला, चंद्र का अर्थ होता है गोरा। मैं कृष्ण भी हूं और चंद्र भी हूं। है ऐसा कोई नाम मिलेगा आपको जो कि काला भी हो संग में गोरा भी हो? बोले हाँ ये तो बात सही है, आपका भी महाराज एक ही नाम है, प्रिया राधा। आप कोई चंद्र जैसा मेरे अंदर दो भाव हैं, मेरे अंदर दो विशेषताएं, ऐसे आपके अंदर तो नहीं है। प्रिया मुस्कुराई, बोले हम तुम्हारी प्रिया हैं तो तुमसे पीछे रहेंगे क्या? हमारे भी दो नाम हैं। ये आपके अंदर दो नाम क्या है? बोले मैं कामिनी भी, मैं दामिनी भी हूं और मैं चांदनी भी हूं। दामिनी और चांदनी में बहुत अंतर होता है। चांदनी शीतल होती है, दामिनी बिजली जो है ये आग का स्वरूप होता है, ये गर्म होती है। ये कोई हमारा शब्द कहा हुआ नहीं है, वाणी जी में प्रिया जी के स्वरूप को चांदनी और दामिनी दोनों स्वरूप में संबोधित किया है। मैं एक संग चांदनी हूं, मैं एक संग दामिनी हूं, जैसे तुम एक संग कृष्ण हो एक उसी के साथ चंद्र हो। और बोले महाराज एक बात और है कि जो काला होता है ना वो सुंदर नहीं होता है,
लेकिन मैं श्याम भी हूं और संग में सुंदर भी हूं, दो विपरीत बात। महाप्रभु जी ने इस छवि का दर्शन कराया श्रीमद सुधा निधि में। श्यामेति सुंदर बदेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सुत्कंठ मन्य ग्रणति मोहरा कुलाक्षी साराधिका मई कदानुभवे प्रसन्ना। श्याम होते हुए सुंदर, कृष्ण होते हुए गोरा, तभी तो जब उद्धव ने आकर ब्रज की गोपियों से कहा कि गोपियों तुम प्रेमी करने बैठी, इसमें भी तुम धोखा खा गई। क्या धोखा खा गई? उन्हें प्रेम किया तो काले से किया, वो तो काला है कृष्ण। गोपियां ने जैसे ही सुना कि कृष्ण काला है, उठकर खड़ी हो गई। क्या कहता है? हमारा कृष्ण काला? तूने कृष्ण देखा है? बोले हां देखा है, तभी तो कहता हूं काला है। बोले तूने कृष्ण देखा ही नहीं? बोले मैं तो ये कहता था कि अगर प्रेमी करना था तो बलराम जी से करते, दाऊ जी से कम गोरा तो मिलता, ये तो काले के संग कहां लुटी। जितना ये रंग से काला है, इतना ही मन से भी काला है, वचन से भी काला है, अंग से भी टेढ़ा, इसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। बोले तूने कृष्ण देखा नहीं, हमारी आंखों से देख। बोले तुम्हारी आंखों में कृष्ण कैसा दिखता है? बोले ये जो सांवला कृष्ण है ना, हमको ऐसा दिखता है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का जो गौरता है, उसकी जो गुराई है, वो इस कृष्ण की शांता के ऊपर न्योछावर हो जाती है। हमारा कृष्ण ये, इसकी रूप माधुरी ये है। कहां क्या बात करता है? तो ये जो श्री प्रिया जी का दामिनी का स्वरूप, श्री प्रिया जी के चांदनी का जो स्वरूप है, ये स्वरूप क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की, बोले नरवाहन नक्षत सौंदर्य। ये जो श्री जी का जो नक्ष लेकर शुक्र पर्यंत तक का जो सौंदर्य है, ये क्या करता है कि जिस भी जीव के ऊपर पड़ता है तो रूप की बिजली गिर जाती है। जब रूप की बिजली गिरती है, श्री प्रिया के रूप की बिजली, तो क्या होता है? बिजली गिरने पे क्या होता है? जिसके ऊपर बिजली गिरती है सब राख बन जाता है। तो जो श्री जी की शरण में आता है, जो श्री जी के इस रूप को निहारता है, श्री प्रिया का रूप जब उसके नेत्र के सामने आता है, तो उसके जो रूप की बिजली है, वो रूप की बिजली हमारे हृदय के विषयों पर गिरती है, हमारे हृदय के वासनाओं पर गिरती है, हमारे हृदय के काम के ऊपर गिरती है, और ये सब भस्म हो जाते हैं। तो बोले महाराज ऐसा रूप तो ठीक नहीं है, ये तो जलाने वाला तत्व है। बोले जलाता भी है, फिर क्या करता है? बोले इनका जो चांदनी का जो रूप है, उसकी जो शीतल चंद्रिका की जो शीतल छाया है, शीतल प्रकाश है, अमृतमय जो प्रकाश है, इस प्रकाश से उस दाहित जो उसका हृदय है, उसको सींच सींच कर इतना शीतल कर देती है जिसमें कि श्री प्रिया जी का स्वरूप समा सके। इसलिए निश्चित समझ लीजिए कि जब हम इस उपासना में आए हैं, तो धीरे 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 करके हमारा काम अपने आप नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ये श्री प्रिया ही इसको नष्ट कर डाले, और काम का निवारण करने के लिए ही मूल रूप से ये कीड़ा है। क्योंकि देखिए, कांटे से कांटा निकलता है, रज से वस्तु, मलिन वस्तु रज से साफ होती है। कोई गंदा जो बर्तन है, उसको हमको साफ करना है, काहे से करेंगे? मिट्टी से साफ करना पड़ेगा। हाथ में कांटा लग गया है, इसको काहे से निकालेंगे? बोले उसको कांटे से निकालना पड़ेगा, सुई से निकालना पड़ेगा। हमारे हृदय में ये जो काम का कांटा चुभा हुआ है, हमारे हृदय में ये जो वासनाओं का कांटा चुभा हुआ है, भोग विलासों का कांटा जो चुभा हुआ है, ये काहे से निकलेगा? ये प्रेम के कांटे से निकलेगा। क्योंकि देखिए, प्रेम जो होता है, ये प्रेम त्याग प्रधान है, काम भोग प्रधान है, ये इनका सहज एक अंतर है। प्रेम देता है, काम लेता है,
लेने और देने के भाव में तो बहुत अंतर। इसलिए सेवक जी बोले बोले परिदम्भन चुम्बन रति केली, बिहरत कुबरी कंठ भुज खेल में मेली, सुंदर रास रचो बन माही, यमुना पुलिन कल्प तरु छाही। श्री यमुना जी के तट पर और जो रास होता है, रास विलास होता है वंशी भट के निकट पर, उस रास विलास का दर्शन करके चित्त एकदम आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और उस रास में से जो रस निकलता है, उस रास में से निकले हुए रस की मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये जो रास का रस है, ये तो इसको वही अनुभव कर सकते हैं जिनकी भावना में रास प्रकट होता है। वो श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना, अंशन पर भुज दिए बिलोकत, त्रिभुजन सुंदर मुख अब लोकत, इंदु बदन दीखत विधि ओरा, चारु सुलोचन त्रिषित चकोरा, करत पान दस मक्त सदाई, श्री हरि वंश प्रेम रति गाई। इसमें भी चतुरासी जी विराज रहे, यहां भी चतुरासी जी में का वही अंश स्वीकार किया सेवक जी महाराज ने जो कि सुल्तांत का है। बोले श्री हरि वंश प्रेम रस गाना, बोले जो श्री हरि वंश महाप्रभु के द्वारा गाया हुआ जो प्रेम का रस है, जो श्री हरिवंश महाप्रभु का रसमय प्रेम का गान है, उसको सुनकर रसिकों का जो चित्त है, चतुर लोगों का जो चित्त है, सयानी लोगों का जो चित्त है, वो मोहित हो जाता है। रसिक विमोहित परम सुजाना, बोले अंशन पर भुज दिए बिलोकत, त्रिपित न सुंदर मुख अवलोकत, शरत पान रस मत्त सदाई, इंदु बदन दीखत विवि ओरा, चारु सुलोचन त्रिषित चकोरा, करत पान रस मत्त सदाई, श्री हरि वंश प्रेम रति गाई। इसमें जो पद लिया है सेवक जी ने, वो चतुरासी जी का 31वां पद लिया है। आज अतिराजत दंपति भोर, सुरत रंग के रस में भीमे नागरी नवल किशोर, उले अंशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विधि ओर, करत पान रस मत्त परस्पर लोचन त्रिषित चकोर, छूटी लटन लाल मन करशो ये या के चित चोर, परिरंभन चुम्बन मिलि गावत सुर मंदर कल घोर, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल ही और सिरावत मोर। पूरे महाप्रभु जी ने प्रिया प्रीतम का जो प्रेममयी दृष्टि है, उसका एक बड़ा प्रतीकात्मक स्वरूप इस पद में प्रकट किया है। इन दोनों का प्रेम, प्रेम क्या है? महाप्रभु जी बोले बोले अंशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विधि ओर, करत पान रस मत्त परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। बोले श्री प्रिया जी की जो श्याम गौर भुजाएं हैं, वो प्रीतम के अंश में विराज रही हैं, और लाल जी की श्याम भुजाएं श्री प्रिया के अंश कंधे पर विराज रही हैं। परस्पर दोनों एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे का मुखचंद्र देख रहे हैं, और चंद्रमा के मुख से जो इसका जो अनन्य प्रेमी होता है वो चकोर होता है। तो लाल जी का जो मुखचंद्र है उसका दर्शन करने के लिए तो प्रिया के जो नेत्र हैं वो चकोर बन गए हैं, चकोर भाव से निर्निमेश अपलक अपने प्रीतम के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। और जो प्रीतम के नेत्र हैं वो बोले निर्निमेश एकदम अपलक दृष्टि से श्री प्रिया के मुखचंद्र का दर्शन कर रहे हैं। तो दोनों के नेत्र ही चकोर हैं और दोनों के मुख ही चंद्रमा है, ये इनका नित्य प्रति का ये कार्य, उसका संकेत। बोले क्या मनोहर छवि है, कैसा उनका प्रेम है कि जब वो परस्पर एक दूसरे के रूप को देखते हैं और उसमें उनका जो प्रेम प्रकट होता है, उससे जो प्रेम प्रकाशित होता है, उसमें वो इतने विभोर हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि अपने देह का अनुसंधान भी नहीं रहता। सेवक जी ने यों कहते हो इस पंक्ति को उद्धृत कर दिया
उन्हें इंदु बदन दीखत बिवी होगा, चारों सु नौचन त्रिशत चक होगा, तरप पान रस मत सदाई, श्री हरि वंश प्रेम रति दाई। बोले इस तरह से ये जो प्रिया प्रीतम की ये जो छवि है, ये छवि उन्मत्त बनी रहती है और इस तरह से ये परस्पर एक दूसरे का छवि का दर्शन करके और अपने प्रेम को पुष्ट संतुष्ट करते हैं। अब ये जो छंद है जिसकी चर्चा श्री सेवक जी महाराज ने यहां की है, ये हमारे यहां का सिद्धांत है और बड़ी बड़ा महत्वपूर्ण छंद है, समझना चाहिए, उपासना का सार है। बोलो मैंने अभी तक तुमको सुल्तांत छवि बताई, मैंने तुमको अभी तक श्री वृंदा हरिवंश के द्वारा प्रकट किया हुआ वृंदावन बताया, मैंने हरिवंश के द्वारा प्रकट की हुई रसरीति बताई, मैंने हरिवंश के द्वारा प्रकट किया हुआ श्री जी की छवि जो महाप्रभु जी ने बताई वो बताई। बोले अब मैं एक वस्तु जो एक उपासक के लिए, धर्मी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अब मैं एक वस्तु आपको बताता हूं। बोले वो क्या है? बोले श्री हरिवंश सुरी की सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिनैक तबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधक रहें, राधा नाम श्याम सब कहें, ललिता दिकन संग सचु पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। ये राधा वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत है। आप कोई बहुत सारे ग्रंथ मत पढ़िए, आप कोई बहुत सारी वाणी मत पढ़िए, आप बहुत सारे पद मत पढ़िए, केवल सेवक जी के इस एक छंद को अपने हृदय में बैठाकर और इस छंद को पूरे पूरे इसके मर्म के साथ समझ लीजिए, कुछ अन्य समझने की और अन्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेवक जी बोले, बोले श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, मैं अब श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट होकर जिस अपनी उपासना की सुंदर रीति को प्रकट किया उसके विषय में मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहता हूं। बोले क्या? बोले कि श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, सिद्धांत है। हमारे यहां के विषय में एक बड़ी गलत धारणा ये पड़ गई है कि राधा चरण प्रधान उपासना में कृष्ण का स्थान नीचा है, ये अज्ञान है, ऐसा नहीं। सेवक जी ने इस शंका का समाधान किया कि हमारे यहां श्री जी के चरणों की प्रधानता जरूर है, लेकिन जो उपासना का मूल आधार है वो युगल उपासना है, युगल उपासना। यहां पर श्यामा और श्याम एक संग गाया जाता है, श्याम से श्यामा जुदा नहीं है और श्यामा से श्याम जुदा नहीं, इनका जो संबंध है, इनका संबंध, इनकी अभिन्नता का संबंध ये सेवक जी महाराज कहां से लाए? ये भी महाप्रभु जी से मिला। श्री जी महाराज ने प्रिया प्रीतम के विषय में कहा कि जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर कहो कौन करे जन तरंगन न्यारे। जब प्रिया जी का वचन सुना, कल हमने इसकी थोड़ी चर्चा की थी, तो जब वचन सुना तो महाप्रभु जी ने अपना निर्णय दिया, हंसे और हंसकर बोले अरे आप क्या बात करती हो? बोले आप जो हैं, बोले लीला सरोवर के हंस गौर श्याम हंस, और आपका जो संबंध है वो संबंध ऐसा है कि जो जल का और तरंग का संबंध होता है, जल से लहर अलग नहीं की जा सकती और लहर में से जल अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे श्री प्रिया को लाल से और लाल को प्रिया से, प्रीतम को प्रीतम प्रिया से, प्रिया को प्रीतम से अलग नहीं किया जा सकता और इनको अलग करके कभी देखना भी मन नहीं चाहिए। इसलिए सेवक जी बोले, बोले इस भ्रम में कभी मत पड़ना कि हमारे यहां श्याम नहीं है, श्याम के बिना श्यामा कहां और श्यामा के बिना श्याम कहां,
ये दोनों एक तत्व है। उन्हें श्री हरि वंश सुनीत सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, उन्हें छिनित तब हूं अंतर होई। जिस दिन इनका इनके अंदर अंतर हो जाएगा, उस दिन ये राधा बल्लभी संप्रदाय की उपासना हिद्दी की उपासना न होकर गौड़ियों की उपासना हो जाती है, हो जाएगी। वहां होता है प्रिया जी में लाल जी में अंतर हो जाता है, क्योंकि वो विरह की उपासना करते हैं ना, तो विरह की उपासना के लिए बिछोड़ना पड़ता है। सेवक जी ने सिद्धांत दिया कि छिनैक तब हुना अंतर होई, इनके इन दोनों के बीच में एक क्षण का भी कभी अंतर नहीं होगा, एक क्षण का भी, लीला का भी अंतर नहीं। इनके जो आंख मिचौनी भी होती है वो भी अंतर रहित नहीं होती, निरंतर होती है। एक दिन निकुंज में लीला चल रही थी, सखियों ने कहा महाराज आज तो कुछ खेल हो जाए। बोले हाँ हो जाए। बोले क्या खेलोगे? अरे आंख मिचौनी खेलें। बोले हाँ आंख मिचौनी खेलो, हमें बड़ा प्रिय है। कौन दाब देगा? विशाखा ने पूछा दाब कौन देगा पहले? ललिता बोली ये भी कोई प्रश्न तर्क किया तुमने, जो दाब देता आया है वही देगा? हमारी किशोरी तो दाब लेने वाली है, देने वाली नहीं। सारे ब्रह्मांड से दाब इसने लिया, लेकिन किशोरी जी ने दाब अपने प्रीतम से लिया, ये दाब देंगे। बोले मैं तो महाराज तैयार हूं, ऐसा सुख ऐसा कोई क्षण आवे कि मैं आपको ढूंढूं और मैं आपको ढूंढकर पकड़ूं तो मुझे लगेगा कि मेरा भजन सफल हो गया, ठीक है मैं दाब दूंगा। आप मेरी आंखें बंद कर लो, कभी कहीं आप ऐसा कह दो कि तुमने आंख बंद की थी इसलिए आंख खुली छोड़ी, देख लिया कहां छिपे थे, आप आंख बंद करो। प्रिया जी ने कहा कि आज बंद आंख का खेल नहीं होगा, आज खुली आंख का खेल होगा, आंखें खुली रहेंगी और हमको ढूंढना है। बोले ये भी कोई खेल हुआ, मैं देख लूंगा। बोले देख लो अगर देख सकते हो तो बोले ठीक है महाराज ऐसे सही, तो आप बता देना जब मैं आपको आप छिप जाए तो बता देना। बोले मैं छिप गई, ढूंढो। लाल जी ने दृष्टि उठाकर देखा तो ऐसा लगा कि सैकड़ों प्रिया जी का स्वरूप खड़ा हुआ है, सैकड़ों। इधर देखें बोले ये भी प्रिया है, ये इधर देखें बोले ये भी श्री राधा है, ये भी राधा है, ये भी राधा है। तो इतनी राधा तो होंगी नहीं, राधा तो एक ही होगी, असली राधा कौन सी है? ये क्या खेल किया, ये क्या खेल। घंटा हो गए, कभी कभी ललिता इत्यादि आकर टोक दो अरे ढूंढो ना, तुम तो खड़े ही रह गए। बोले ढूंढू तो कहां, मैं समझ में ही नहीं आ रहा है। इधर नजर जाती है श्री प्रिया ही प्रिया दिखाई पड़ती हैं, वो प्रिया गई कहां? तो बोले तुम ही कह रहे थे कि मैं ढूंढ लूंगा, पता अपनी चतुराई लगाओ ढूंढो। घंटा हो गए इधर से उधर, उधर से उधर, कभी आगे कभी पीछे, थक गए श्रमित हो गए। श्री वृंदा सखी से जाके बोले वृंदा वृंदा सखी, हमारा तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। श्री वृंदावन धाम से प्रिया प्रीतम का कोई भी रस, कोई भी भाव, कोई भी इच्छा, कोई भी लीला छिपी नहीं है। और सब सखियां तो सब पक्षपात करती हैं प्रिया का, तुम मेरे प्रति थोड़ा तुम्हारा भाव नरम है, बताओ ना कि प्रिया कहां गई। वृंदावन बोले जब तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी प्रिया का तुम्हें पता नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे क्या मालूम। बोले कहीं तो छिपा के रखा होगा, छिपेंगी भी तो तुम्हारे ही कहीं जाके छिपेंगी, और तो जाएंगे कहां, वृंदावन छोड़ के तो जा नहीं सकती, तुम बताओ तो सही कहां छिपे। हंसे, बोले तुम तो बड़े चतुर हो, बड़े नागर हो, अपनी चतुराई का बड़ा गुमान है, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हो।
बोले वो सब बात तो सब ठीक है, चतुराई में तो कम नहीं है, लेकिन मेरी सबरी चतुराई श्री प्रिया के सामने आके सबरी चतुराई मेरी खत्म हो जाती।